नमस्कार दोस्तों, मैं हरप्रीत सिंह, बॉक्सिंग कोच पंजाब पठानकोट से। मेरे को मेरे बहुत ही मेरे सज्जनों ने, मित्रों ने, मेरे जो नए बिगनर्स हैं वो मेरे को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि आप वीडियो डालते हो यूट्यूब पे बड़ी अच्छी अच्छी, तो प्लीज़ हमारे लिए भी कोई डालो जो बिगनर्स बॉक्सर है, कि जो बच्चे बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं, किसी के पास टाइम है नहीं है, तो वो इसलिए हम वीडियो ये तैयार कर रहे हैं कि वो अपने घर में बैठ के ये बॉक्सिंग सीख सके। तो आज हम जो दो हमारे जो टॉपिक है बॉक्सिंग के, एक तो क्लिंचिंग ऑफ फिस्ट और दूसरा है ऑन गार्ड। ये ऑन गार्ड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सबसे पहले बॉक्सिंग यहाँ से शुरू होगी। तो सबसे पहले क्लिंचिंग ऑफ फिस्ट बोलेंगे हम, हमारे जो हाथ की थैली हमें कैसे मुट्ठी कैसे बंद करनी है। सबसे पहले हाथ सीधे लेंगे, जो हमारी ये मिडिल फिंगर है बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी, और ये जो थंब है, अक्सर बॉक्सर क्या करते हैं, ये गलती करते हैं कि ये जो हाथ है ये थंब यहाँ पर रह जाता है, तो ये पंच मारते हैं तो ये ऐसे लगता है और इसके इंजरी आने के बड़े चांसेस हो जाते हैं। तो इसको जब हम बंद करें, सेंटर ऑफ फिंगर में आ जाएगी यहाँ पर, ये हमारी होगी क्लिंचिंग ऑफ फिस्ट। और दूसरा टॉपिक आ गया, जब भी आपने बॉक्सिंग कोई भी वर्क शुरू करना है तो पहले बॉडी वार्म अप करनी है। ये बॉक्सर हमारी वार्म अप है, तो आपने वार्म अप करके शुरू करनी है। तो सबसे पहले हमारा आएगा ऑन गार्ड पोजीशन। ऑन गार्ड पोजीशन में हर एक इंसान का अलग अलग तरीका है, तो हमारे पास जो दो तरीके हैं, इजी तरीके हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम दोनों पैर अपने जोड़ लेंगे, और पैर जोड़ने से पहले हमने ये पता करना है कि हमारा बॉक्सर है जो वो लेफ्टी है या राइटी है। आप अपने बॉक्सर से आइडेंटिफिकेशन भी ले सकते हैं। अगर नहीं है तो अगर आपने पता कैसे करना है, आप पीछे जाइए अपने बॉक्सर के, तो उसको धक्का दीजिए, जो उसका पैर निकलेगा वो उसका राइट, जो उसका होगा वो स्ट्रॉन्ग फुट उसका जो होगा वही उसकी पहचान बनाएगा कि वो राइटी है या लेफ्टी है। तो हमारे पास एक राइटी है, एक लेफ्टी है, ये साधारण भाषा में, बॉक्सर की भाषा में साउथ पा और ऑर्थोडॉक्स। देन अभी दोनों पैर जोड़ के 90 डिग्री का एंगल बनाया जाएगा। 90 डिग्री का एंगल बन गया, उसके तो जहां पर आपकी टो है, टो को उठाएंगे और घुमाएंगे बाहर की तरफ, जहां पर आपका कैमरामैन थोड़ा सा नीचे, जहां पर आपकी ये आ जाएगी एडी का पिछला एरिया आएगा, वहां पर आप अपना उठा के ये टो लेके आएंगे। आगे स्लाइडली आपने रोटेट करना है, रोटेट स्लाइड रोटेट, क्योंकि हम अपने टारगेट को सीधा नहीं रख सकते हैं। देन आपके जो नीज है तो थोड़े फ्लेक्स होंगे, थोड़े से हल्के फ्लेक्स, ये हमें स्प्रिंग का काम देते हैं बॉक्सिंग में, इसलिए हल्का सा बैंड मूवमेंट अच्छी होगी। देन जो आपका राइट है, जब ये हमारे वेपन बन जाते हैं, इसको राइट और चिन के पास रखेंगे इस शेप में ये, और जो लेफ्ट है वो उठा के आइस के बिल्कुल सामने टारगेट से रखेंगे, और बॉडी हल्की सी ये रोटेट थोड़ी सी। ये हमारा हो गया एक तरीका ऑन गार्ड पोजीशन का। देन दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बड़ा इजी है, थोड़ा सा आगे आएंगे, यस, दोनों पैर जोड़ लेंगे, कैमरा पूरे आ रही है, हाँ, दोनों पैर थोड़ा सा डिस्टेंस की बेटा आगे पीछे हो जाएगी, यस यस। अभी हाथ सीधे, पैर थोड़े से बैक रोटेट, हाथ बिल्कुल सीधे कीजिए, देन खोलिए पैर, घुमाइए, राइट लेके आइए, लेफ्ट लेके आइए, नी फ्लेक्स, देयर। हमारे जब ऑन गार्ड पोजीशन हो, शोल्डर के अकॉर्डिंग हमारे पैर खुले होने चाहिए, शोल्डर हमारे ढीले होने चाहिए, चिन डाउन होनी चाहिए, राइट हैंड चिन के साथ होना चाहिए, लेफ्ट हमारा यहाँ पर होना चाहिए। ये हमारा ऑन गार्ड पोजीशन। और मुझे उम्मीद है आपको ये आज का जो टॉपिक अच्छा लगा होगा, जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो वीडियो से सीख पाएंगे। और बहुत धन्यवाद, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो घर में बैठ के अच्छी तरह आप ये सेल्फ डिफेंस की क्लासेस ले सकें। मैं अगली बार फिर आऊँगा नया टॉपिक लेके। धन्यवाद।